राम राम जय श्री कृष्ण। मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ फ्रेंड्स, और सॉरी मैं फर्स्ट पार्ट में उनका मतलब वीडियो का इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना मैं कि इनका टाइटल ही पढ़ना भूल गई फ्रेंड्स। तो इनका टाइटल है हर हिंदू का खून खोल उठेगा ये सुन के फ्रेंड्स। और ये है राम भादवार कवि, आई थिंक मैं नाम ठीक ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्रोनाउंस गलत हो तो सॉरी। और ये रुचि जी और राम बिश्नोई जी के सजेशन से हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड, रिएक्शन दे रहे हैं। तो आइए हम ये सेकंड पार्ट भी सुन लेते हैं। अब तक कहानी पहुँची थी खिलजी की, राणा रतन सिंह जी को हमारे वीर राजपूत और प्रमुख तौर पे गोरा बादल जो थे फ्रेंड्स, वो छुड़ा के उन्होंने विदाउट खरोच भेज दिया था चित्तौड़। तो खिलजी बोला, इसमें भी बोला खिलजी खिसी आया था, यानी खिलजी को गुस्सा आ गया था कि हमारे सैनिक तलवार नहीं खींच पाए और वो राजा लेके चले गए फ्रेंड्स हमारे दरबार में आके, उनसे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। तो उनको इंसल्ट फील हुई और वो अपनी सेना लेके चित्तौड़ आ चुका है। इधर राजा रतन सिंह जी जो वो है वो इंसानियत के तौर पर के बेकार में ही बेगुनाह वो लोगों का खून नहीं बहे फ्रेंड्स, इसलिए वो युद्ध को टाल रहे हैं। और इधर खिलजी 8 महीना से किला के बाहर वेट कर रहा है। तो उसके आगे की स्टोरी इस पार्ट में फ्रेंड। हाँ तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करते। अरे यार, रावल बोले चट्टानी उठाओ, शस्त्र संभालो, करो भुजाली कर्म और फिर दोहरी धार लगा लो। माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या कम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगा कर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार के दम पर टकराते हैं। ओ 7 लाख, अरे आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है, आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। अरे आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है, इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आँच न आने देना, याद रहे कि जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए, याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे वीर विजय मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए, तो पहले कफन बांध लो सर पे फिर भगवा बंधवाओ, पहले कफन बांध लो सर पे फिर भगवा बंधवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाई झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई, अंतिम तक लड़नी होगी तो अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई, तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला, मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी, पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया, ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे। इससे बड़ा पुरस्कार तेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकता।
है बेटा, शाबाश। ठाकुर, ठाकुरानी पासानी सीमा लांघ रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे, क्या मांग रहे हम? माताओं आपके पक्ष की पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, माता पद्मिनी आ रही, आप कैसे सुनेंगे? आप तय करें। ठाकुर, ठाकुरानी पासानी सीमा लांघ रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे, तो योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जीन दरी घोड़ों पे, माथे पर माटी लगवाकर हुई होड़ होड़ों से होड़ लग गई एक दूजे से, पहले कौन मरेगा? होड़ लग गई एक दूजे से, पहले कौन मरेगा? सबसे पहले रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा? सबसे पहले दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा? सबसे पहले खिलजी की छाती पर कौन हंसेगा? सबसे पहले मातृभूमि का कौन दुलार करेगा? सबसे पहले माँ जननी का कौन श्रृंगार करेगा? तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं था, सबने ही हुंकार भरी थी, कोई निशब्द नहीं था। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मतवाले, कुछ की ताड़ी पड़ी हुई थी पर तलवार लिए थे, पड़ती उम्र दिखती थी पर मूछ पे धार दिए थे, कुछ तो पहले से घायल थे लेकिन अड़े हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए। और ध्यान अब चाहता हूं कि दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया, द्रवित हृदय और कल्पित स्वर से फूटे शब्द पुकारे, जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार पुकारे, जैसे खुद भगवान भक्त की भक्ति पर मन हारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसार, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे कि योद्धाओं तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले, तुम सब ही हो स्वामी भक्त अरमान बचाने वाले, तुम ही हो मेवाड़ वंश का मान बचाने वाले, तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले, तुम ही सत्य सनातन का यशगान बचाने वाले, नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो सैनिक बोल पड़े, राजन इसका अभिमान नहीं है? सैनिक बोल पड़े, राजन इसका अभिमान नहीं है? राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व तो हमारा है, कोई ऐसा नहीं है, मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातन ताकि ठकुराई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन, कल का सूरज देखेगा इन दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा, कल जीवन का अंत दिवस, कल जीवन का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा, कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले, फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और खिलजियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था, पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती, हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं, तो पढ़े काल से हाथ मिलाने स्तर पर कफन लपेटे, आज चले आखिर खेलने एक लिंग के बेटे, आसमान बिस्कुने हुए बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था, योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हो गए जो सोनित मिला रहे थे, उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे भरती थी, उस रोज
दामिनी भाले के नोकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य कही जाती है, मगर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका इधर उधर जौहर क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात्र ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। दूजा श्रृंगार आंख पर माने काजल को लगवाया, अस्त्र छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अगर हो गए अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। तो सजी अंतिम चरण में हूं, मुझे विदा देना। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलने, जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। तो अब तक रण में राजपूतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था ये, मैंने सेकंड पार्ट बनाया है फ्रेंड्स। और इस पार्ट में राजा रतन सिंह जी जो थे वो आ गए किले के दरवाजे खोल के युद्ध लड़ने के लिए फ्रेंड्स, और मतलब 7,00,000 खिलजी लेके सेना लेके आए थे फ्रेंड्स। खिलजी की हार तो उसी टाइम हो गई फ्रेंड्स के कुछ हजार की हिम्मत देखो, उनकी वीरता देखो फ्रेंड, और उनका मातृभूमि के लिए प्यार देखो, और माँ पद्मिनी की आन बान शान उनका सम्मान के लिए फ्रेंड्स वो लोग भीषण युद्ध 7,00,000 की सेना के सामने आ गए फ्रेंड्स। उधर ही दुश्मन की खिलजी की जो वो जीत के भी क्या करे, जीत भी गया है तो क्या हुआ, क्योंकि राजा रतन सिंह जी थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और माँ पद्मिनी ने हमारी माओ ने फ्रेंड्स उन वीरांगनाओं का देखो फ्रेंड, वो फ्रेंड्स मतलब वो एकदम ही कोमल टाइम आने पे फ्रेंड वो मतलब जलती ज्वाला में वो कूद जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे वीरांगना को फ्रेंड्स सत नमन है वाकई में फ्रेंड्स। 16,000 हमारी माओ ने फ्रेंड हमारे मतलब ऐसे कहते उसमें मतलब कितने लोग थे, छोटी कन्याओं भी थी फ्रेंड उसमें, और कहीं नई नवेली दुल्हने भी थी फ्रेंड्स। मतलब चित्तौड़ की आन बान शान और हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान, उनकी आबरू पे कोई खिलजी बुरी नज़र नहीं डाले, उन सब ने जोहर कर लिया फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स के बलिदान, मतलब बहुत ही भीषण, मतलब क्या बोले ना बलिदान, मेरे पास तो शब्द नहीं है फ्रेंड्स। मेरे को ऐसे वीडियो देखती हूँ ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ फ्रेंड्स। और जो खिलजी था उन्होंने माँ पद्मिनी के लिए सब कुछ किया था ना ये सब, और तो क्या कर लिया फ्रेंड उन्होंने, वो जानते नहीं था ना फ्रेंड्स के सती का जैसे मैंने आगे के वीडियो में बोला फ्रेंड, उनका तो साया भी नहीं छू सकते राक्षस। तो फ्रेंड्स माँ पद्मिनी को पाने का ख्याल तो 7 जन्म भी ले लेना कभी नहीं पा सकता उनको फ्रेंड्स। और हमारे
मतलब ये सब देखती हूँ ना फ्रेंड्स, ये जौहर है और हमारे राजपूत भाइयों की वीरता फ्रेंड्स, तो मेरे को लगता है कितना गौरवशाली इतिहास है फ्रेंड्स हमारे इंडिया का और मेवाड़ का फ्रेंड्स, एक से बढ़ के एक दिग्गज आए हैं उधर। राणा संग्राम सिंह जी फ्रेंड्स, जो मेवाड़ के थे, महाराणा प्रताप जी के दादाजी, महाराणा प्रताप जी और माँ पद्मिनी, राजा रतन सिंह, गोरा बादल और वाह वाह भाई वाह, मतलब वाकई में चित्तौड़ की धरती को फ्रेंड्स एक धाम ही बोलना चाहिए जहाँ ऐसे वीरों ने जन्म लिया है फ्रेंड्स, के जो मतलब मातृभूमि के लिए और राष्ट्रभूमि के लिए फ्रेंड्स न सोचते हैं न घबराते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही वो वीर गति की नींद सो जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वो वीर गति की नींद सो गए फ्रेंड्स, लेकिन वो सो के भी जो वो हमारे दिलों में फ्रेंड अमर है और उनकी गौरव गाथा हमको ऐसे ही गाती रहनी है फ्रेंड्स। और एक बात बोलूँगी फ्रेंड्स, इसमें पहले भी मैंने बोला, पहले पार्ट में भी एक गलत तथ्य था कि राजा रतन सिंह जी का 8 महीने तक वो इसीलिए किले से बाहर नहीं निकले और 8 महीने के बाद उन्होंने इसलिए द्वार खोला कि वो उनका अनाज खत्म हो गया था फ्रेंड्स। तो ये तथ्य गलत है फ्रेंड्स और ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। रुचि जी और राम बिश्नोई जी को थैंक यू, आप दोनों पार्ट देखना। देखो फिर भी 16-17 मिनट की वीडियो हो जाती है, जब मैं वीरों के बारे में बोलने लगती हूँ ना तो मेरे को खुद को टाइम का होश नहीं रहता फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी वीरों की वीडियो में फ्रेंड्स, जो हमको गौरव से प्राउड से भर दे फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।